आप ध्यान करते हो, आपका ध्यान नहीं लगता। साधारणता मन तो भटकता ही रहता है, परंतु ध्यान में और अधिक भटकता है। विचार तो निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन ध्यान में अधिक विचार आते हैं। तो ऐसा क्या उपाय है जिससे कि आपका मन एकाग्रचित हो जाए, ध्यान में गहरा उतर पाओ? अगर मन को ध्यान में एकाग्र करना है तो पहले मन को समझना होगा। चलिए मन को इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं एक मुट्ठी सरसों के दाने लेता हूँ और उन्हें तेजी से हवा में उछाल देता हूँ, तो अब क्या मैं उन सरसों के दानों को दोबारा से अपनी मुट्ठी में इकट्ठा कर सकता हूँ? नहीं, उन सभी दानों को इकट्ठा करना मुश्किल है, क्योंकि वो जगह बेजगह बिखर चुके हैं। कुछ दिखाई देंगे तो कुछ नहीं दिखाई देंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन होता है। जब हमारा मन संसार की विषय वस्तुओं में बिखर जाता है तो उसे वापस से एक जगह पर इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। एक मनुष्य की सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि संसार में कोई एक विषय नहीं है जिसे वो जानना चाहता है या जिसे वो पाना चाहता है। हम सभी लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। कुछ तो दिखाई पड़ती हैं, हम उन्हें समझ लेते हैं, और हमारी कुछ इच्छाएं छुपी हुई होती हैं जो प्रकट नहीं हो पाती, जैसे वो कुछ सरसों के दाने जो कहीं छुप गए हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार से हमारा मन कहीं एक जगह नहीं लगता, वह दुनिया संसार में दूर दूर तक बिखरा होता है। हमारा मन जितना अधिक बिखरा होगा या जितने विषयों के बारे में वो जानेगा, वह उतना ही बेचैन होगा, उतनी ही अधिक चिंताएं होंगी। हर किसी दुख के पीछे कोई ना कोई इच्छा अवश्य होती है, और जब हमारा दुख गहरा होता चला जाता है, मन काबू से बाहर निकल जाता है, तब हम उसे शांत करने के लिए उपाय ढूंढते हैं। उपाय के रूप में हमें बहुत सारी ध्यान की विधियां पता चलती हैं। हम ध्यान करके खुद को शांत करना चाहते हैं, मन को स्थिर करना चाहते हैं, पर तुम जैसे ही ध्यान करने बैठते हो तो ध्यान की उस शांति में हमें संसार का शोर और अधिक सुनाई देने लगता है, या मैं कहूँ वो शोर अब बहुत क्लियर से सुनाई देता है। एक साधारण व्यक्ति सुबह से शाम तक जो भी कार्य करता है, बिल्कुल सादा सांसारिक जीवन जीता है, उसके बोलते समय और उसके चुप रहते समय 24 घंटे कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, हालांकि वो उन विचारों पर ध्यान नहीं देता। हम लगभग बेहोशी की अवस्था में जीते हैं और मन भीतर से अपना काम करता रहता है, पर जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे विचार और अधिक साफ हो जाते हैं। इसलिए एक ध्यान करने वाले व्यक्ति को जब विचार परेशान करते हैं तो वो एक सामान्य व्यक्ति से अधिक परेशान हो जाता है। सामान्य व्यक्ति को विचारों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक ध्यान करने वाले व्यक्ति को अपने विचारों से कुछ ज्यादा ही शिकायत हो जाती है, जिसके कारण वो और ज्यादा अशांत हो जाता है। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कि ये निरंतर कूदने वाला मन शांत हो जाए? तो पहले तो आपको ध्यान का अभ्यास नहीं छोड़ना है। आमतौर पर हम कुछ देर ध्यान करते हैं या कुछ दिन तक कर पाते हैं, उसके बाद जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम प्रयोग को छोड़ देते हैं। तो आप अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो रात को सोने से पहले जब अंधकार हो जाता है, तकरीबन आधा घंटा ध्यान का अभ्यास करें, और ध्यान के उस अभ्यास में एक बात का ध्यान रखें, जो आपका मन संसार में बिखरा हुआ था, बिल्कुल उन सरसों के दानों की तरह उस मन को कहीं और लगाएं, अपने में ही लगाएं। अब आप कहोगे ये इतना सरल नहीं है, ध्यान में मन नहीं लगता, क्योंकि मन का स्वभाव ही भटकना है, मन की आदत पुरानी है, जन्मों जन्मों की है, तो आसानी से एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ तो करने को चाहिए, और आप ध्यान में बैठकर मन को कुछ करने नहीं देना चाहते। अगर आप अपने मन को कुछ करने नहीं दोगे तो वो अपने आप ही कोई ना कोई कार्य ढूंढ लेगा, विचार बनाने लगेगा, आपको विचार के रूप में नए नए अनुभव देगा। जैसे कि आप अपने विचारों में एक वर्चुअल लाइफ, एक अलग ही प्रकार का जीवन जीते हैं, हालांकि वो सत्य नहीं है, पर मन को भी नहीं छुटलाया जा सकता। तो अगर आप अपने मन को कुछ काम नहीं देंगे, वो खुद ही काम ढूंढ लेगा। तो इससे तो अच्छा यही है कि आप स्वयं ही अपने मन को कोई कार्य दे दीजिए। योग विज्ञान हमारे मन के कार्य करने का तरीका अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए आपके मन को मंत्र दिए जाते थे कि ये लो, ये वो काम है जो तुम्हें निरंतर करना है। आप ध्यान में बैठे हो, ध्यान तो नहीं लगेगा, मन लगने नहीं देगा, तो मन को वो मंत्र ही दे दो। संकल्प करो कि इतनी बार मंत्र उच्चारण करना है, और बस आपके मन की एकाग्रता उस मंत्र पर आ जाएगी, और आपके मन की पुरानी भटकने की आदत वो भी कम होती चली जाएगी।
बुद्ध जानते थे कि ध्यान में क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, मन कैसे खेल खेलता है। इसीलिए बुद्ध कोई मंत्र तो नहीं देते थे, परंतु वो अपने शिष्यों से कहते थे कि केवल सांसों पर ध्यान लगाओ, सांसों को आता जाता देखो। अब असल में ये कार्य भी मन ही कर रहा होता है। जब आप सांसों पर ध्यान लगाते हैं तो असल में आपका मन सांसों पर लगता है। हर एक भीतर जाती सांस और बाहर आती सांस, आपका मन भी सांसों के साथ अंदर बाहर होता है, जिससे कि मन एकाग्र होने लगता है। त्राटक का भी कुछ ऐसा ही प्रयोग है। टकटकी बांधकर दीपक की लौ को देखते रहना। कंटिन्यूसली आप कैंडल या दीपक की लौ को देखते हो। देखते देखते मन का फोकस इतना गहरा हो जाता है कि मन उसी ज्योति में कहीं खो जाता है और फिर इस शरीर और संसार का बोध मिटने लगता है। तो ये आध्यात्म की जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो ध्यान हो, मंत्र उच्चारण हो, भक्ति हो, कीर्तन हो या किसी देवी देवता की आराधना हो, ये सब मन को दिए गए वो सभी कार्य हैं जिसमें मन को उलझाया जाता है। ये सभी टेक्निक्स आपके संसार में बिखरे हुए मन को वापस लाने के तरीके हैं। इन सभी तरीकों से सत्य की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर या बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता। हाँ, परंतु आपके अंदर इससे पात्रता आ जाती है। ये सभी क्रियाएं आपको इस लायक बना देती हैं कि जिससे उस परम सत्य को ग्रहण किया जा सके। असल में एक साधक गलती यही करता है कि वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। ध्यान के बारे में कुछ 10-12 लेक्चर सुन लिए, कुछ वीडियोस देख ली या कहीं पढ़ लिया कि ध्यान से फलाफला उपलब्धि मिल जाती है या मन शांत हो जाता है, दुख कम हो जाता है या कुछ शक्तियां मिल जाती हैं। आपने कहीं से जीरो स्टेट ऑफ माइंड के बारे में सुन लिया, यानी नो माइंड की अवस्था जहां कोई विचार नहीं होता, तो आप उसी से प्रभावित हो गए। अब आपको वो अनुभव करना है, तो आप जब भी ध्यान करोगे उस अनुभव को पाने के लिए करोगे, जो कि वो कभी नहीं होगा। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति का मन तो संसार में बिखरा होता है, कोई एक दो विषय हो तो वहां से वापस लाया जा सकता है, परंतु यहां जानने को, सीखने को और पाने के लिए अनंतों चीजें हैं, तो मन को कहां कहां से खींचोगे। इसीलिए एक साधक निरंतर अथक प्रयास करता रहता है, कुछ पाने के लिए नहीं, बस वो कर रहा है। प्रयास करते करते जिस दिन उसका मन तैयार हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है, तो ध्यान में होने वाले वो सभी अनुभव स्वतः ही होने लगते हैं। आप नो माइंड की अवस्था का भी अनुभव कर सकते हैं। तो यही कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं हैं जिन्हें करके आप अपनी एकाग्रता को पा सकते हैं, चेतना का विकास कर सकते हैं। अब जो क्रिया आपको पसंद हो वो आप चुन सकते हैं, जो आपके लिए सहज हो। और आपके लिए कौन सी क्रिया सहज है, ये आप सभी क्रियाओं का अभ्यास करके देख सकते हो। जो आपके लिए सहज होगी आपको स्वतः ही पता लग जाएगी। एनीवे, लास्ट में जाते जाते एक बात और, हमारी टीम की इच्छा है कि हम अपने चैनल पर दुनिया संसार के कुछ टॉपिक्स को भी कवर करें, जिससे कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ आपको इस दुनिया संसार में क्या चल रहा है इसका भौतिक ज्ञान भी मिले। तो आप लोगों की इसमें क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स के जरिए लिखकर बता सकते हैं।